फरीदाबाद के क्राइम ब्रांच द्वारा गिरफ्तार फर्जी आईपीएस मेहताब के लोकल एड्रेस पर छापेमारी के दौरान नशे की 70,000 गोलियां पुलिस ने बरामद की है। बता दें कि फरीदाबाद की क्राइम ब्रांच ने 10 सितंबर को एनआईए में अपने आप को असिस्टेंट कमिश्नर बताने वाले फर्जी आईपीएस अभंग मेहताब और उसके एक साथी कबीर को दिल्ली एनसीआर से लग्जरी गाड़ियों को चुराकर मणिपुर में भेजने के आरोप में गिरफ्तार किया था। पिछले कई दिनों से पुलिस उससे पूछताछ कर रही थी। पुलिस की माने तो अभंग मेहताब ना सिर्फ लग्जरी गाड़ियों को चुराकर बेचने का काम करता था बल्कि ड्रग्स का भी बड़ा धंधा चला रहा था। पुलिस अब आरोपी को रिमांड पर लेकर पूछताछ करेगी कि उसके पास ड्रग्स कहां से आता था और कहां कहां सप्लाई किया जाता था। एसीपी हेडक्वार्टर आदर्श दीप ने बताया कि पुलिस अब ये पता लगाने में जुटी हुई है कि आखिर अभंग मेहता के साथ और कौन कौन ऐसे लोग हैं जो उसके गिरोह में शामिल हैं। पिछले दिनों में क्राइम ब्रांच फरीदाबाद ने एक नकली आईपीएस को पकड़ा था जो यहां से दिल्ली एनसीआर से लग्जरी गाड़ियां चोरी कर मणिपुर भेजता था। इस संदर्भ में क्राइम ब्रांच फरीदाबाद ने वहां जाकर दो उसके अन्य साथियों को भी गिरफ्तार कर लिया है। इस दौरान नकली आईपीएस के कमरे की तलाशी ली गई कागजों के लिए तो पता चला कि वहां पर 70,000 ड्रग्स की गोलियां भी मिली है। इसके बारे में उससे पूछताछ जारी है। बता दें कि छापेमारी के दौरान पुलिस को उसके मकान में पुलिस की वर्दी, पुलिस के स्टिकर समेत कई आपत्तिजनक सामान भी बरामद हुए हैं। सत्य खबर के लिए फरीदाबाद से पूजा शर्मा की रिपोर्ट। सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक।